खरगोन जिले में लॉकडाउन के 3 चरण पूरे होने के बाद चौथे चरण की तैयारियों को देखते हुए मध्यम वर्गीय परिवार के हालत बस से बदतर हो जाते जा रहे हैं और मजबूर होकर आमजन पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को विवश दिख रहा है। इसका पता उस समय चला जब खरगोन की गलियों में एक कबाड़ी और ड्राइवर सब्जी बेचते हुए नजर आए। दरअसल कोरोना महामारी के चलते आमजन घरों में रहने को मजबूर है, ऐसे में घर परिवार की आर्थिक दुर्दशा होते देख लोगों को अपना रोजी रोटी का तरीका ढूंढ लिया है और शासन की मंशा अनुरूप सब्जी बेचने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान मीडिया चर्चा में एक कबाड़ी ने बताया कि भंगार खरीदने का काम करते थे लेकिन अब सब्जी बेच रहे हैं। वहीं मीडिया से रूबरू एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि पेट की आग बुझाने और परिवार का लालन पालन करने के लिए परिस्थिति के अनुरूप कामकाज कर रहे हैं। बहरहाल लॉकडाउन के चलते आमजन रोजगार की तलाश में कुछ भी कर गुजरने को मजबूर दिखाई दे रहा है। आपको इस बार मैं रावा था, रावण होने के कारण मेरे पास पैसा वगैरह सब खत्म हो गया है। इसके कारण मैं चीकू वगैरह नहीं बेच रहा बच्चों को पालने के लिए। 2 महीने हो चुके हैं मेरे को अब पेट की आग बुझाने के लिए चीकू का धंधा कर रहा हूँ। तो पहले ड्रावरी काम करते थे? पहले ड्रावरी का काम करता था, अब क्या फल फ्रूट बेच रहा हूँ। फल फ्रूट बेच के कारो बाजार मेरे बच्चों को पाल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख इब्राहिम। पहले क्या काम करते थे? पहले बेकरी में करते थे। और अब? अब बेकरी बंद हो गई तो ठेला चला रहा, सब्जी बेच रहा। पहले उसमें कितने कमा लेते थे और अब इसमें कितने कमा लेते थे? इसमें 350-400 जैसे भी दाढ़ी हो जाती। और इसमें? इसमें 150-150। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।